गुड मॉर्निंग क्लास में सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम हिंदी फर्स्ट और यहाँ पे अभी तक जो है हमारा नन्ना फनकार पार्ट चार इसको हमने पढ़ा और इसके अभ्यास प्रश्न भी हमने किए थे बच्चों और कुछ प्रश्न हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस में बनाए थे, खुद से भी बनाए थे, आप लोगों ने भी बनाए थे और मैंने भी बनाए थे और जो है कुछ हमने जो टेस्ट में आपका टेस्ट लिया था क्लास फिफ्थ का हिंदी का, तो कुछ प्रश्न उसमें भी बनाए गए, तो उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से आप जो है याद करें, ठीक है ना। तो आगे भी जब भी आपकी जो परीक्षा होती है तो उनमें भी वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को आपको याद करना है जितने भी हमने नन्ना फनकार में क्वेश्चन किए हैं। और आज हम नया पार्ट जो है पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 5 इसमें हम पढ़ेंगे, तो इसमें है जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है ना। पेज नंबर 41 है, ठीक है। तो पाठ हम पढ़ना शुरू यहाँ पे करेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारे पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में, इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, ठीक है ना। तो ये लड़की है बच्चों ईला, तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो 26 साल की ईला गुजरात से सूरत ज़िले में रहती थी, ठीक है ना, गुजरात से सूरत ज़िले में वो रहती थी और उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपना नाना के यहाँ बीता, अपने नाना के यहाँ ये रहती थी। तो सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, ठीक है। आप लोग भी जैसे घरों से बाहर, जैसे शाम होती है तो आप लोग खेलने जो है घरों से बाहर निकल आते हैं, तो इस तरीके से और भी बच्चे जैसे वहाँ मोहल्ले के इलाके जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो खेलें। तो कुछ मिट्टी में आड़े तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठिकरे बटोर कर बिट्टू पिट्ठू खेलते, ठीक है ना। सभी बच्चे जो हैं मोहल्ले में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, किसी का कोई खेल पसंद हो, कोई कोई अलग अलग ग्रुप उनके बने होते हैं, तो अलग अलग अपना खेल जो है वो खेलते रहते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे, ठीक है। क्या कहते हैं, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। तो ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी, क्यों नहीं ले पाती थी, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाते मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरीके से उनके साथ खेल सके, कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, तो साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर धप्पा मारने की बारी आती तो फिर निशाना निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती थी कि उसके हाथों में ना तो उसके उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। तो ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। जो ईला थी बच्चों उसके हाथ आप यहाँ फोटो में आपने देखा कि किस तरीके से उसके हाथ जो है मुड़े हुए हैं, उसने यह सब अपने पैरों से करना सीखा, वो अपने पैर हाथों से कुछ नहीं कर पाती थी, तो उसने अपने पैरों से देखो दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, ठीक है काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया,
ठीक है ना, तो सारे काम वो अपने पैरों से करती थी। दाखिला मिलने पर भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं परीक्षा पास कर पाई नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता था, क्योंकि ईला हाथों से नहीं लिख पाती थी, ठीक है ना। वो पैरों से लिख सकती थी और लिखती थी, और उसको अतिरिक्त मतलब और भी समय उसको मिल सकता था और बच्चों के बजाय, तो उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी, और वो चाहे तो ऐसा व्यक्ति अपने साथ रख सकती थी कि ताकि वो मुँह से जो है क्वेश्चन का प्रश्नों का उत्तर दे और वो व्यक्ति उसके साथ लिख सके, जो कि उसकी परीक्षा में लिखने के लिए काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा था। लेकिन जो ईला थी उसको इन बातों का पता नहीं था कि मुझे इन लोगों से हेल्प करके अगर मैं अपने साथ इनको ले जाऊं, ये मेरी हेल्प करें, तो वो 10वीं पास कर सकती थी। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशिदकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर जड़ी बूटियाँ उकड़ते हुए देखती थी, ठीक है ना। जो दादी और उसकी माँ थी वो जो है कढ़ाई का ये काम करती थी। यहाँ पे आप धागे आप देख रहे हैं, कढ़ाई का वो काम करती थी। ना जाने कब उसने काशिदकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं रह, ठीक है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया, ठीक है ना। उसने अपने मन से सोचा था कि मैं ये काम करूँगी, तो जहाँ हमारी चाह होती है, जो हमारी चाह, जिस चीज़ को हम चाहते हैं, वही हमारी क्या बन जाती, राह बन जाती, रास्ता बन जाता है। तो 15 साल के होते होते ईला कठियाड़ी वाड़े काशिदकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरीके नमूने बनाए जाते हैं, कौन से रंगों का नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब समझ गई थी। एक समय भी आया, अब उसके द्वारा गढ़े गए जो कपड़े थे, परिधानों की प्रदर्शनियाँ लगने लगी। ईला की कठियाड़ा वाली टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए गए। पत्तियों की चिकनकारी से सजाए, जो पत्तियां थी उनको चिकनकारी से सजाया गया। डंडियों को कांदा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियां की कसूती और जंजीरों से उठाया गया था। पारंपरिक डिजाइन को यह नवीनता सभी को बहुत पसंद आई। सबको ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप हली बूटियाँ उकेरते नहीं थकती थी। तो ये थी बच्चों ईला की कहानी, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से चाह रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ हमारी चाह होती है वहीं हमें रास्ता मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपने चाहा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनेंगे, आपको इंजीनियर बनने की चाह है तो आप इंजीनियर बनेंगे, आपको टीचर बनने की चाह है तो आप टीचर बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपका जो अपना जो विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज आपको क्या करना है, ईला की इस कहानी को पढ़ना है और बाकी जितना भी इसमें मैं कल आपको करवाऊँगी, तो आज आपको केवल ये पाठ पढ़ना है।